हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है कि क्या गंभीर अपराधों में कंप्लेनेंट और अक्यूज के बीच अगर समझौता हो जाता है तो क्या उस समझौते के आधार पर FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हाईकोर्ट से क्वाश हो सकती हैं या नहीं हो सकती। दोस्तों, गंभीर अपराध जैसे मर्डर, रेप, डकैती, बर्गलरी या दूसरे तरह के जो हेनस क्राइम्स हैं वो शामिल होते हैं, तो इसमें क्या समझौता होने के बाद इसमें FIR क्वाश हो सकती है? क्या ये अपराध प्राइवेट नेचर के हैं या सोसाइटी के प्रति हैं? दोस्तों, इस संबंध में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही ताज़ा जजमेंट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त हम मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का एक वीडियो अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। CRPC में इसका प्रावधान किया गया है कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं, यानी कि समझौता होने के बाद उनमें FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ख़त्म कर दी जाती हैं, और कौन से अपराध ऐसे हैं जिनमें अगर मान लीजिए समझौता भी हो जाता है तो तब भी वो अपराध, वो FIR, वो प्रोसीडिंग्स वो ख़त्म नहीं होती हाई कोर्ट से भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सवाल ये है कि क्या 376 के केस में समझौते के आधार पर FIR रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों ये सवाल माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया और इसमें जो एप्लीकेशन थी अंडर सेक्शन 482 फाइल की गई थी उसका नंबर था 2941 2023 की है, और इसमें जो टाइटल है वो है प्रवीण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसमें जो जजमेंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है वो जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने 29 मार्च 2003 को ये जो है जजमेंट डिलीवर की है। तो दोस्तों, इस जजमेंट में क्या है और किस तरह के केसेस में FIR क्वाश हो सकती है, किस तरह के केसेस में नहीं हो सकती, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस केस में एक FIR दर्ज हुई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हुई। सेक्शन 376 यानी कि रेप का केस था, 363, 366, 504, 506 ऑफ IPC यानी कि किडनैपिंग, लड़की की किडनैपिंग और उसके साथ जो है रेप, और साथ में सेक्शन 3 और 4 भी लगी पॉक्सो एक्ट की, क्योंकि लड़की उस टाइम में माइनर थी। तो इस बीच में जो है स्टेट की तरफ से कहा गया कि चार्जशीट इसमें फाइल हो चुकी है इस केस में, और नो कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन चाइल्ड विक्टिम एंड एन अक्यूज्ड इज़ परमिसिबल, और ये कहा गया एपेलेंट की तरफ से कि जो विक्टिम पक्ष है उनके साथ समझौता हो चुका है और उस समझौते के बेस पे FIR को क्वाश किया जाए। लेकिन स्टेट की तरफ से कहा गया, क्योंकि लड़की माइनर थी जब ऑफेंस हुआ, तो ऐसे में लड़की के साथ माइनर के साथ कोई भी कम जो अक्यूज्ड है उसका समझौता अगर हुआ है तो उसको परमिसिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि वो जो है कानून में उसके लिए मान्यता नहीं है। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट पावर ऑफ क्वाशिंग प्रोसीडिंग शुड बी एक्सरसाइज्ड वेरी स्पेयरिंगली, कि जो हाईकोर्ट के पास जो पावर है किसी भी FIR को क्वाश करने की वो बहुत ही संभल के और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस्तेमाल की जानी चाहिए,
और इस संबंध में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे केस डिसाइड किए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो है वो डिसाइड किए गए और इसी टॉपिक पर आधारित है कि क्या हिनस क्राइम्स में जो ग्रेव नेचर के जो क्राइम्स हैं उनमें FIR क्वाश हो जानी चाहिए समझौते के आधार पर या नहीं हो जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं केस भी आपको बताऊंगा, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल है, ये बहुत ही फेमस केस है FIR क्वाशिंग के संबंध में, 1992 का केस है। रतीश बाबू उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ये भी एक इसी संबंध में केस है। सतीश कुमार जाटव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2022 का केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। रामवीर उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी 2022 का केस है। नरेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये 2015 का केस है। और स्टेट ऑफ MP वर्सेस मदन लाल, और शिम्बू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 का केस है। दया दक्षाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2022 का केस है। इंद्र मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 का केस है। यानी कि इस टॉपिक पर बहुत सारे केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं जो केसेस है इनमें जो जजमेंट दी गई है या जो ऑब्जर्वेशंस दी गई है उनको कोट किया कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं उन्हीं में हाई कोर्ट को अपनी क्वाशिंग की पावर है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और जो ग्रेव नेचर के केसेस हैं वहाँ पर FIR को क्वाश नहीं किया जा सकता। दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो 482 के तहत FIR क्वाश करने से पहले या कंप्लेंट फाइल जो क्वाश करने से पहले या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करने से पहले हाई कोर्ट को ये देखना है कि वो किस तरह का नेचर का केस है या वो प्राइवेट नेचर का केस है या क्राइम है या उसकी ग्रेविटी कितनी है ऑफेंस की या वो समाज के प्रति किया गया अपराध है, तो ये चीज़ देखकर ही इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। और जैसे जो हीनस क्राइम्स हैं जो बहुत ही सीरियस क्राइम है जिनमें जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ या डकैती हुई, रेप हुआ, बर्गलरी हुई, या जो 307 का केस है अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ, तो इस तरह के केसेस में ये जो केसेस हैं ये प्राइवेट नेचर के केस नहीं हैं बल्कि ये समाज के प्रति किए हुए केस होते हैं और ऐसे में FIR को क्वाश नहीं किया जा सकता, ना रेप के केस में ना मर्डर के केस में। और जो दूसरे बड़े के बड़े जो नेचर के केस हैं ग्रीवियस टाइप के केसेस हैं वहाँ पर हाई कोर्ट 482 की पावर के तहत जो क्वाश है वो FIR को नहीं कर सकती, यानी उसको नहीं करना चाहिए। और व्हेन द ऑफेंस इज सीरियस एंड ग्रेव एंड फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, और जब क्राइम बहुत बड़ा हो और ग्रेव हो तो उसको जो है समाज के प्रति किया गया क्राइम माना जाना चाहिए। और जो क्राइम समाज के प्रति किया जाता है तो वहाँ पर अगर दो इंडिविजुअल्स का आपस में समझौता भी हो जाता है तो तब भी हाई कोर्ट ऐसे में FIR या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वाश नहीं करती। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंड में कहा कि हैविंग रिगार्ड टू अफोरसेड सेटल्ड पोजीशन लीगल पोजीशन, यानी कि इस संबंध में एक बहुत ही सेटल्ड लीगल पोजीशन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सामने आती है कि क्वाशिंग ऑफ ए केस अंडर सेक्शन 376 की 376 के केस को जो है या पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3-4 के केस को कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे और उसको जो है क्वाश नहीं किया जा सकता, FIR को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि जो है ये परमिसिबल नहीं है लॉ में कि 376 के केस को समझौते के बेस पर उसको क्वाश कर दिया जाए। दोस्तों इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी क्वाशिंग की उसको जो है डिसमिस कर दिया, यानी कि उसको अलाउ नहीं किया। तो दोस्तों इसमें साफ है कि जो हीनस किस्म के
केसेस हैं, चाहे उसमें कंप्रोमाइज भी हो जाए दोनों पार्टियों के बीच में, कंप्लेनेंट और अक्यूज के बीच में, तो तब भी वहाँ पर FIR या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रद्द नहीं की जाती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।